हिमाचल में बेकाबू हुआ कोरोना, शनिवार को 941 नए मामलों के साथ 12 की गई जान। हिमाचल में कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। शनिवार शाम को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कोरोना के 941 नए मामले सामने आए हैं। वहीं शनिवार को मरने वालों का आंकड़ा भी 12 पहुंच गया है। हिमाचल में शनिवार को सामने आए कोरोना के मामलों को देखने के बाद प्रदेश सरकार के गाइडलाइन का कोई भी प्रभाव दिखता नजर नहीं आ रहा है। हिमाचल में शनिवार को ठीक होने वालों का आंकड़ा मात्र 358 रह गया है। प्रदेश में 69,114 कोरोना के कुल मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 62,671 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए हैं। हिमाचल में एक्टिव मामलों की बात करें तो यह आंकड़ा 5,223 पहुंच गया है। वहीं अब तक 1,102 कोरोना संक्रमित लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। शनिवार को सामने आए मामलों में 3 जिलों ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। सबसे पहले सोलन जिला में 195, कांगड़ा जिला में 144, मंडी में 134, हमीरपुर में 97, शिमला में 97, ऊना में 85, बिलासपुर में 82, सिरमौर में 59, कुल्लू में 31, चंबा में 9, लाहौल स्पीति में 7 और किन्नौर जिला में 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी तरह से आज ठीक होने वालों में सबसे अधिक कांगड़ा जिला में 94, ऊना में 67, सोलन में 50, शिमला में 52, हमीरपुर में 34, बिलासपुर में 33, चंबा में 10, सिरमौर में 10 और कुल्लू में 8 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए हैं। पपीते के पत्तों का काढ़ा पीने से भाई बहन की मौत, एक अस्पताल में भर्ती। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ के जोंगों में एक प्रवासी महिला के 2 बच्चों की पपीते के पत्तों का काढ़ा पीने से मौत हो गई, जबकि एक गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ भर्ती है। बताया जा रहा है कि बच्चों को कुछ समय से बुखार था और उन्होंने यूट्यूब पर नुस्खा देखकर पपीते के पत्तों का काढ़ा बनाकर पिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। डीएसपी नवदीप सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बदायूं के खजुरिया गांव की राम देवी पत्नी स्वर्गीय किशन पाल पिछले 7 साल से जोंगों में रहकर मजदूरी कर परिवार पाल रही है। महिला की 2 बेटियां और 1 बेटा था। इनमें 1 बेटी और 1 बेटे की मौत हो गई, जबकि दूसरी बेटी पीजीआई में भर्ती है। उधर बीएमओ नालागढ़ केडी जस्सल ने बताया कि पपीते के पत्तों का काढ़ा पीने से मौत नहीं हो सकती। औद्योगिक क्षेत्र होने के चलते पपीते के पत्तों पर जहरीले केमिकल हो सकते हैं। 72 घंटे और बंद रहेगा मनाली लेह मार्ग, लाहौल में फंसे लोगों को करना होगा इंतजार। पिछले दिनों हुई ताजा बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग यातायात के लिए 6 दिनों से बंद है। हाईवे 3 को बहाल करने का काम बीआरओ ने शुरू कर दिया है, लेकिन अगले 72 घंटे अभी बारालाचा दर्रा बंद रहेगा। ऐसे में लाहौल में फंसे 250 लोगों को अभी इंतजार करना होगा। यह मार्ग बर्फबारी के चलते दारचा से आगे अवरुद्ध है। इस मार्ग को अटल टनल रोहतांग के रास्ते सरचू तक बीआरओ ने 2 महीने पहले यातायात के लिए खोल दिया था, लेकिन 2 बार बर्फबारी होने से मार्ग फिर से यातायात के लिए बंद है। हिमाचल में तूफान व ओलावृष्टि की चेतावनी, 8 जिलों के लिए अलर्ट जारी। हिमाचल में सोमवार से एक बार फिर मौसम बिगड़ेगा। मौसम विभाग ने बारिश व ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। ऐसे में प्रदेश के किसानों व बागवानों पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। एक तो सूखे के कारण प्रदेश में किसान बागवान परेशान हैं, वहीं अब ओलावृष्टि की चेतावनी बागवानों के लिए चिंता का कारण बन सकती है। बीते 3-4 दिनों से मौसम साफ बना हुआ था, प्रदेश का तापमान भी बढ़ने लगा था। मैदानी व मध्यम इलाकों में तो गर्मी का एहसास हो चला था। मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश व ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। इसमें प्रदेश के मध्य एवं ऊपरी इलाकों के जिले शामिल हैं। इनमें किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, चंबा और सोलन जिला शामिल हैं। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण प्रदेश में अभी कुछ दिन मौसम खराब रहेगा। आपातकाल में बटन दबाते ही एनएच पर मिलेगी सहायता। परवाणु चंबाघाट फोरलेन की सुंदरता के साथ एनएचएआई लोगों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रख रहा है। फोरलेन पर सफर करने वाले लोगों को आपातकाल के दौरान बटन दबाते ही सहायता मिल जाएगी। परवाणु से चंबाघाट तक सौर ऊर्जा से चलने वाले 17 टेलीफोन 2-2 किलोमीटर की दूरी पर लगाए गए हैं। सड़क हादसा, स्वास्थ्य बिगड़ने जैसी समस्या के दौरान फोन से सहायता वाले क्षेत्र की लोकेशन और समस्या के बारे में बताना होगा। कुछ ही मिनटों में पुलिस समेत एम्बुलेंस मौके पर पहुंच जाएगी। इसका कंट्रोल सनवारा टोल प्लाजा में होगा। चलती बस में कंडक्टर को आया हार्ट अटैक, चालक ने अस्पताल पहुंचाकर बचाई जान। शिमला से चंबा आ रही एचआरटीसी की बस के कंडक्टर को हार्ट अटैक आया। बस के चालक ने तुरंत उसे क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर पहुंचाया। कंडक्टर का वहां पर उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि कंडक्टर की पत्नी का हमीरपुर अस्पताल में शनिवार को ही ऑपरेशन होना था, उसने वहां जाना था।
कंडक्टर की माताजी उसे फोन पर जल्दी आने की बात भी कह रही थी। चंबा डिपो की यह बस शनिवार सुबह शिमला से चंबा जा रही थी। बस सुबह 7 बजे शिमला से चली और करीब 9:30 बजे ब्रह्मपोखर व एम्स कोठीपुरा के पास पहुंची, तो अचानक फ्रंट सीट पर बैठे बस कंडक्टर रजनीश निवासी देहरा की तबीयत बिगड़ी और वह सीट से नीचे गिर गया था। स्कूल बंद रखने के फैसले पर भड़के निजी स्कूल प्रबंधक और अभिभावक। स्कूलों को बंद रखने के फैसले का निजी स्कूल प्रबंधकों और अभिभावकों ने कड़ा विरोध किया है। मंडी और हमीरपुर के स्कूल प्रबंधकों ने एक सुर में कहा कि कोरोना को भयावह कहकर स्कूल बंद करने का सिलसिला चल रहा है, लेकिन चुनावों में कोरोना कहां भाग जाता है। चुनावी रैली में भीड़ आती है तो उस समय कोरोना प्रोटोकॉल क्या अलग होता है? सरकार दोहरे मापदंड क्यों अपना रही है? स्कूल प्रबंधन करोड़ों के कर्ज तले दब रहे हैं, स्कूल बंद रहे तो खर्च कैसे निकलेगा? उन्होंने सरकार से मांग की है कि वैक्सीनेशन कर जल्द स्कूलों को नियमित खोलने का आदेश जारी करें। सरकाघाट में हुई बैठक में निजी स्कूल प्रबंधकों ने कहा कि निजी स्कूलों की आय के साधन पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। कर्जे तले दबे निजी स्कूलों को बंद करने की नौबत आ गई है। जो बच्चों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी स्कूल द्वारा दी जाती है उसमें विभिन्न प्रकार के खर्चे आते हैं। कई स्कूल प्रबंधकों ने करोड़ों रुपए का लोन ले रखा है, उसकी किश्तें निकलना मुश्किल हो रहा है। अध्यापकों का वेतन, स्कूल के अन्य खर्च भी होते हैं। इस बार बिना रोल नंबर यूजी परीक्षा नहीं दे पाएंगे विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की 17 अप्रैल से होने वाली स्नातक डिग्री कोर्स की वार्षिक परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन रोल नंबर जनरेट होना शुरू हो गए हैं। परीक्षा देने से पहले विद्यार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनका रोल नंबर जनरेट हो रहा है या नहीं। प्रदेश विश्वविद्यालय पहले ही साफ कर चुका है कि जिनके कॉलेज में सीसीए के मार्क्स अपडेट नहीं होंगे उनका ऑनलाइन रोल नंबर जनरेट नहीं होगा। बिना रोल नंबर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। विद्यार्थियों को अपनी लॉगिन आईडी पर रोल नंबर भले ही नजर आएगा, लेकिन वह तब तक डाउनलोड नहीं होगा जब तक कॉलेज से सीसीए के मार्क्स अपडेट नहीं होंगे। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के निर्णय के अनुसार इस बार सिर्फ वही विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे जिनके पास डाउनलोड किए गए रोल नंबर की स्लिप होगी। पर्यटन निगम के होटलों में 16 से 30 अप्रैल तक बुकिंग पर 20% छूट। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों में 16 से 30 अप्रैल तक बुकिंग करवाने पर 20% छूट मिलेगी। देश और प्रदेश के सैलानियों को रिझाने के लिए निगम ने यह फैसला लिया है। 15 अप्रैल तक निगम के होटलों में कमरों की बुकिंग करवाने पर 30% छूट दी जा रही है। कोरोना संकट के चलते बीते वर्ष हिमाचल में प्रभावित हुए होटल कारोबार को पटरी पर लाने के लिए निगम ने अपने होटलों में बुकिंग पर छूट देने का फैसला लिया है। देवभूमि हिमाचल में आने वाले सैलानियों को रिझाने के लिए निगम ने प्रदेश के करीब 60 होटलों में डिस्काउंट देने का फैसला लिया है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, कसौली और चंबा सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में स्थित निगम के होटलों में छूट की सुविधा मिलेगी। अब सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में भी कर्मचारियों को लगेगी वैक्सीन। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों जहां पर 100 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी होंगे वहां स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंचकर 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाएंगी। शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने हिमाचल को 5 लाख वैक्सीन की डोज दी है। इसके अलावा कंपनियों में भी यह वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने जिला उपायुक्तों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और ब्लॉक मेडिकल अफसरों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य दिया है। उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को मास्क न पहनने वाले लोगों पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें व जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही घंटी के बटन पर भी क्लिक करें।